अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। I'm so sorry for this. And coming back to your question, yes, सारा business and expansion हमारी lady managers ही करेंगे। मैडम पहले आप अपना घर तो संभालिए, उसके बाद देखते हैं कि आपके managers काम को हैंडल कर सकती हैं या नहीं। With all due respect, sir, आप यहाँ जितनी भी lady managers को देख रही है, ये अपना घर हैंडल करके ही यहाँ पे आई है। इनके पास आपके जैसी लग्जरी नहीं थी कि आराम से उठे, बना बनाया नाश्ता खाए, प्रेस किए हुए कपड़े पहने और फिर आराम से ऑफिस के लिए निकले। ये सब अपना घर मैनेज करने के बाद आप ऑफिस मैनेज कर रही है। इनफैक्ट अगर इन्हें कभी भी ऑफिस के काम की वजह से घर में कोई चूक हो जाती है या घर से जल्दी निकलते हैं ताकि ऑफिस समय पर पहुँच पाए, तो ये पता है क्या कहती है कि काम की वजह से हम हमारे घर को भूल गए। आई एम सो सॉरी सर, एंड आई अंडरस्टैंड कि मेरे मैसेजेस से हमारी मीटिंग में डिस्टर्बेंस हो रही है, पर माय हस्बैंड इज इंजर्ड, इस वक्त उन्हें मेरी भी जरूरत है। कि सर देखिए, हमारा वो मतलब नहीं था, फिर एक्सट्रीमली सॉरी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सो या हमारा डेटा यही एनालिसिस करता है एंड आई थिंक मैंने आपको जो भी रिपोर्ट्स मेल की है, अगर आप वो देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हमारी ग्रोथ एकदम कंसिस्टेंट है एंड हमारे वर्कर्स भी एकदम डिलीजेंटली काम कर रहे हैं। सो या दैट इज व्हाई आई बिलीव दैट वी कैन डू इट। Well done. हमें आपकी एबिलिटी पे पूरा भरोसा है। भाई अब जल्दी से ना पेपर वर्क कंप्लीट कीजिए और काम शुरू करते हैं। थैंक यू। Well done. कबीर, तुम यहाँ? हाँ, हमें पता चला कि तुमने ऑफिस आना फिर से शुरू कर दिया है, तो सोचा कि तुम्हें ऑल द बेस्ट बोल देते हैं। थैंक यू सो मच। आओ मैं तुम्हें ऑफिस दिखाती हूँ। नहीं नहीं, इतने दिनों के बाद ऑफिस आई हो केसर, तुम्हें बहुत सारा काम होगा, तुम अपना काम कर लो। केसर, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर गए हैं। ये क्या है? हमने शादी पर तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया था ना, इसीलिए। थैंक यू कबीर। जिंदगी में जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे वो देखा नहीं जाता, वो हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। केसर, यदि कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम कभी उनकी बात मत सुनना, बस एक बार आईने में अपने आप को देख लेना और फिर खुद से पूछना कि जिस काम के लिए तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारी काबिलियत पर लोग सवाल उठा रहे हैं, वो काम तुमने शुरू ही क्यों किया था। फिर देखना, निराशा का अंधेरा पल में छट जाएगा और आशा की किरण फिर से जाग उठेगी। थैंक यू सो मच अंजना कि आपने मुझे ऐसा दोस्त दिया जो मेरे बारे में इतना सोचता है और उतना ही प्यार करने वाला पति जो मेरे काम में इतना सपोर्ट करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है केसर, कि तुम सूरज को इतना अच्छा समझ रही हो। उसने इतने मुखौटे पहने हैं, बहुत जल्द ये मुखौटा उतरेगा सूरज का और तुम अपनी आंखों से देखोगे। आपने खुद अंश भाई और आरती के रिश्ते को सपोर्ट किया था ना, जीनल काकी को प्यार और बराबरी के बारे में आपने ही समझाया था ना। बच्चे बड़े हो गए, अपनी जिंदगी के जरूरी फैसले, अपने लिए जीवन साथी चुनने के फैसले खुद ले सकते हैं वो। तो फिर आप मेरे और कबीर के रिश्ते को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है माँ? तूने भी तो आरती को समझाया था ना ध्रुवी, कि वो इस घर के लायक नहीं। ना तुम दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस मैच करता है और ना ही सोशल। सच तो ये है आरती, कि तुम और अंश भाई एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। उसका स्टेटस, उसकी हैसियत हमारे बराबर नहीं है, तो फिर अब तेरी समझ को क्या हो गया? मेरी समझ गलत थी माँ, मुझे अब समझ आ रहा है कि अंश भाई की बात कितनी सही थी। घर में कुछ भी मायने नहीं रखता है, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच कुछ भी मायने नहीं रखता। माँ, मैं जानती हूँ कि मैं ना कबीर को सच्चा प्यार करती हूँ। बस कर ध्रुवी, मैं फिर से नहीं सुनना चाहती तेरी प्यार की कोई भी कहानी। भले ही आगे चलकर अंश की शादी आरती से क्यों ना हो जाए,
लेकिन आरती इस घर की बहू बनेगी। राजगौर खानदान की बहू बनना उसके लिए गर्व की बात होगी। सोशल स्टेटस उसका ऊंचा होगा। पैसों की कमी उसे कभी नहीं होगी। लेकिन कबीर, उसकी क्या क्या हैसियत क्या उसकी? अभी ना तुझे ये प्यार की सिर्फ सतरंगी बातें नजर आ रही हैं ध्रुवी, लेकिन जिंदगी की सच्चाई, जिंदगी की असलियत ना शादी होने के बाद पता चलती है। बिना पैसों के जब जीना पड़ता है ना भूखे प्यासे, तभी यही सच्चा प्यार बाहर खिड़की से बाहर कहीं हवा में ना जाकर गुम हो जाता है। एक बात मेरी कान खुलकर सुन ले ध्रुवी, और ये बात अपने दिमाग में भी डाल ले कि तेरा और कबीर का रिश्ता मैं कभी नहीं होने दूंगी। अब घाव मैंने दिए हैं तो उन पर इमोशंस का मरहम तो मैं ही लगाऊंगा। आई एम सॉरी केसर, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। आप क्या कर रहे हैं सूरज? तू ये मत, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मैं, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो गया। माँ और मेरे पास के बात होते पता नहीं मुझे क्या हो जाता है केसर, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। हाँ प्लीज परेशान मत होइए सूरज। देखो ये मैंने क्या किया, अपने पास्ट को जलाने के पागलपन में इतना सेल्फिश हो गया था कि ये भी नहीं देख पाया कि उसे बचाते बचाते तुम्हारे हाथ जल गए हैं। I'm horrible. I'm not a nice person. अगर आपको किसी को सॉरी कहना है तो मासू से कहिए, आपने उनकी इतने सालों से संजोई हुई यादों को जला दिया। शायद माँ सही सोचती हैं केसर, आई एम नॉट गुड फॉर यू। इनफैक्ट मैं किसी के लिए भी सही नहीं हूं, इसलिए तो उन्होंने बचपन में मुझे खुद से दूर कर दिया और अब तुमसे भी दूर करना चाहती हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।